आज हम बनाएंगे वेजिटेबल डोसा, जिसे ग्रीन चिली सॉस और टमाटो केचप के साथ खाया जाता है। 1 किलो चावल ले लिए हैं, इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे। हमने 200 ग्राम उड़द की छिलके वाली दाल ले ली है। अगर हम बिना छिलके वाली उड़द की दाल लेंगे तो और भी अच्छा है। इसे हम धो लेंगे। हमने चावलों में पानी डाल लिया है, इसको हम एक दिन के लिए भिगो लेंगे। हमने दाल में पानी डाल लिया है, इसे हम एक दिन के लिए भिगो लेंगे। 1 दिन हो चुका है, हमने चावलों का पानी निकाल कर इन्हें अच्छे से धो लिया है। हमने दाल का पानी अलग करके इसे भी धो लिया है। अब हम दाल और चावल दोनों को मिक्सी में पीस लेंगे। हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है और दोनों बैटरों को मिला लिया है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और हमारा बैटर ऐसा हो चुका है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक दिन के लिए प्लेट से ढककर रख देंगे। हमारा बैटर फूल चुका है और डोसा बनाने के लिए तैयार है। अब हम डोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। हमने बारीक कटी हुई आधी प्याज ले ली है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी प्याज ले ली है, बारीक कटी हुई बीन्स की फली डाल लेंगे, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल ली है, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल ली है, बारीक कटा हुआ एक टमाटर डाल लिया है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, स्वाद अनुसार काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारी फिलिंग तैयार है। तवे पर तेल लगाकर इसे फुल गर्म कर लिया है, इस पर पानी की छींटे मार ली है और इसे कपड़े से पोंछ लेंगे। हमारा तवा डोसा पकाने के लिए तैयार है। हमने तवे पर फिर से थोड़ा सा तेल लगा लिया है। हमने इस पर बैटर डाल लिया है, हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसके किनारों पर और इसके ऊपर तेल लगा लेंगे अच्छे से। इसे हम किनारों से हल्का हल्का छुटा लेंगे। अब हम इस पर सेजवान सॉस अच्छे से लगा लेंगे। हमने इस पर सब्जी डाल ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। हमारा वेज डोसा पक चुका है, इसे हम खाने के लिए सर्व कर लेंगे। हमने इसे चाकू से काट लिया है, इसे हम टमाटो केचप और ग्रीन चिली सॉस के साथ खाएंगे।